सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉल बॉक्स. वॉल बॉक्स जो है ये बिलोंग करता है डिवीजन क्लोरोफाइटा से, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्बोकेलिस, सब ऑर्डर क्लेमाइडो मोनाडिनी, फैमिली स्फिरेलेसी एंड जीनस वॉल बॉक्स. तो जैसे ग्रीन एल्गी के हमने करेक्टरिस्टिक फीचर पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो ग्रीन एल्गी ही है ये. वॉल बॉक्स जो है इट्स वन ऑफ द ग्रीन एल्गी, बिलोंग्स टू फैमिली क्लोरोफाइसी. नाउ लेट्स स्टडी कि ये मिलता कहाँ पे है. वॉल बॉक्स जो है ये फ्रेश वाटर बॉडीज में अवेलेबल होता है. तो पॉन्ड्स हो गए, पूल्स हैं, लेक्स हैं, तो ये उन जगहों पे अवेलेबल होता है, राइट. वॉल बॉक्स एक मल्टी सेलुलर मोटाइल सिनोबियम है. ये एक कॉलोनी है. जैसे कॉलोनी में होते हैं ना कि स्पेसिफिक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस जो हैं वो सभी ने अपने बनाए होते हैं, तो इट्स अ कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हर कोई सेल जो है वो इंडिविजुअल अपना उसका मेटाबॉलिज्म और उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट है, बट दे आर प्रेजेंट इन अ कॉलोनी. और इनकी जो कॉलोनी है उसको सिनोबियम कहते हैं. सिनोबियम इज अ कॉलोनी विद फिक्स नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट मैनर. अगर हम सिनोबियम की बात करें तो सिनोबियम जो है इसका वो एलिप्सॉइडल है, स्फेरिकल भी हो सकता है और ओवल शेप का भी हो सकता है. मीन सिनोबियम जो है जो इसकी कॉलोनी है उसकी शेप में वेरिएशन है, वो एलिप्सॉइडल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है और ओवल भी हो सकती है. जो सेल्स होंगे वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे. जो सेंट्रल पार्ट है, जो कैविटी है, सेंट्रल पार्ट है, इट इज फिल्ड विद म्यूसिलेज, वो म्यूसिलेज से फिल्ड रहेगी. So it is filled with mucilage. Plant body की अगर बात करें तो plant जो है ये polarity show करता है. Means इसमें एक part जो होगा वो इसका interior end होगा, दूसरा part जो है वो इसका posterior end होगा. जो interior end की तरफ cells होते हैं वो upwardly directed होंगे. Means वो light perceive करेंगे और light perceive करने के लिए उनमें एक आई स्पोर्ट जो है, डेफिनेट आई स्पोर्ट प्रेजेंट होता है. मीन्स अच्छे से डेवलप किया होता है उनका आई स्पोर्ट. वेयर एज इन केस ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड, उस केस में जो आई स्पोर्ट है वो पुअरली डिवेलप्ड है, वो अच्छे से डिवेलप नहीं होता है क्योंकि वो बॉटम साइड में है, डार्क साइड में है. जो लाइट की तरफ डायरेक्टेड सेल्स हैं उनमें आई स्पोर्ट अच्छे से डिवेलप्ड है. हर एक सेल जो होता है सिनोबियम का, इट इज बाईफ्लैजेलेट, मींस इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे. एंड एल्गा जो है ये रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द जॉइंट एक्शन ऑफ दीज फ्लैजेला. तो सारे फ्लैजेला जॉइंटली एक्ट करते हैं, जॉइंटली बीट करते हैं एंड दे हेल्प इन द रोलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलोनी. सो This is the structure of a ball box colony. तो ये आप देख सकते हो कि जो cells हैं they are present at periphery having two flagella, और जो central cavity है this is hollow and it is covered with means it is filled with mucilage. अगर उनका surface view देखा जाए तो surface view ऐसा दिखता है कि इसमें ये जो cells होते हैं उनमें protoplasmic connection है. They are connected to each other with the help of cytoplasmic or protoplasmic strands. इनमें contractile vacuole भी present है, इसमें nucleus होगा, chloroplast है, paranoid bodies present है, पर ये सारे एक दूसरे के साथ connected है. Here you can also see this connection. Connection between these two cells. They are connected to each other. ये vegetative cell है. This is a vegetative cell. और यहाँ पे ये जो इसमें दिख रहा है ये सारा content, this is gelatinous sheath जो bind करके उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है.
इंडिविजुअल सेल जो है इसका क्लेमाइडोमोनास जैसा होता है. क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है. सो इट्स इंडिविजुअल सेल स्ट्रक्चर इट इज वेरी मच रिजेंबल्ड टू दैट ऑफ क्लेमाइडोमोनास. क्या क्या है, अभी हमने आइसपोर्ट की बात की, तो ये है इसका आइसपोर्ट. दिस इज आइसपोर्ट एंड इन केस ऑफ इंटीरियरली लोकेटेड इंटीरियर साइड पे जो भी सेल्स होंगे उनमें आइसपोर्ट बेल डिवेलप्ड होगा. वेयर एज दोज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड विच इज अवे फ्रॉम लाइट उनमें पुअरली डिवेलप्ड होगा. इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट हैं विच इज क्वाइट नियर टू फ्लैजेला. बिकॉज काम कौन कर रहा है, बीटिंग कौन करता है, फ्लैजेला करता है. तो फ्लैजेला को एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होंगे. इसके साथ साथ इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं, वो भी फ्लैजेला के आसपास ही होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस है, गॉल्जी बॉडीज हैं, पैरेनॉइड्स हैं, ये पैरेनॉइड बॉडी है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसका रिजर्व फूड मटेरियल है ये. देन दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल सेल. एक इंडिविजुअल सेल की ये स्ट्रक्चर है, उसमें ये कंपोनेंट होते हैं. सो एक इंडिविजुअल सेल जो होता है ये होता कैसा है, इट्स स्फेरिकल, एलिप्टिकल और ओवल इन शेप, और ये बायफ्लैजेलेटेड होगा विद टू विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेला. सो विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजेला मीन्स जो फ्लैजेला के सरफेस है उसके ऊपर कोई आउटग्रोथ प्रेजेंट नहीं होगी. और ये कहाँ पे अटैच है, ये इंटीरियर साइड पे अटैच होता है. सेल वॉल जो है ये थिक है एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स. आउटर वन इज फर्म एंड इनर इज म्यूसिलेजनस. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है दे आर प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट. एंड कप शेप क्लोरोप्लास्ट होगा जिसमें 1 to 2 पैरेनॉइड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस केस में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स हैं. सिंगल न्यूक्लियस जो है इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज कनेक्टेड विद न्यूरो मोटर एपरेटस. सो दिस इज कनेक्टेड विद न्यूरो मोटर एपरेटस जिसमें क्या क्या है, ब्लिफेरोप्लास्ट भी है, राइजोप्लास्ट है एंड सेंट्रोमेयर. सो जो न्यूरोमोटर एपरेटस है उसमें ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उसके साथ ये कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस. सिंगल आइसपोर्ट इट इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड ऑफ द सेल. सेल के इंटीरियर एंड में सिंगल आइसपोर्ट प्रेजेंट होता है. ये तो थी सिंपल स्ट्रक्चर बॉल बॉक्स का. जो इंडिविजुअल सेल है उसके बारे में हमने कॉलोनी के बारे में डिस्कस किया, हमने इंडिविजुअल सेल के बारे में डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसमें 2 मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, मीन्स जब फेवरेबल कंडीशंस है उसको मल्टीप्लाई करना है जल्दी, देन ये इसके में जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो जाएगी. वंस यंग सिनोबियम अटेन मेच्योरिटी, ए फ्यू सेल्स इन द पोस्टीरियर हाफ दे पुश्ड बैक. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनफैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो वाले सेल्स हैं जो पोस्टीरियर एंड में हैं. इंटीरियर एंड वाले सेल्स जो हैं वो आईज लाइट को परसीव कर रहे हैं, तो मींस उनका मेजर कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस में होगा. जो पोस्टीरियर एंड के सेल्स हैं वो उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो अपने आप को पुश करेंगे, वो होलो कैविटी के अंदर चले जाएंगे पोस्टीरियर हाफ के. और जब वो होलो कैविटी के अंदर जाते हैं देन दे विड्रॉ देयर फ्लैजेला, अपने फ्लैजेला भी विड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स उनके सरफेस के ऊपर फ्लैजेला नहीं रहता, उनका साइज बढ़ जाता है, वो राउंड शेप में आ जाते हैं. ये जो स्ट्रक्चर्स बनी जिसमें कि वो पोस्टीरियर एंड का जो सेल है वो अंदर की तरफ पुश हो गया, फ्लैजेला उसका विड्रॉ हो गया और वो साइज में इंक्रीज कर गया,
उससे जो स्ट्रक्चर जो सेल बनता है उसको रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, एंड उसके लिए यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है वो है गोनीडिया. तो ये होल प्रोसेस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल विच इज टर्म्ड एज गोनीडिया. अब बाकी जो चेंजेस है वो हम गोनीडिया को रेफर करके ही उसको बताएंगे. तो जो प्रोटोप्लाज्म है गोनीडियम का, ये डिवाइड करेगा, गोनीडियम का प्रोटोप्लाज्म ये डिवाइड करेगा सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में, और वो डॉटर कॉलोनीज बनाते हैं विच इज कॉल्ड डॉटर सिनोबिया. अब हमने कहा कि इसमें पोस्टीरियर सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ पुश करके एक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो एक ही कॉलोनी के अंदर 2 to 50 सेल्स जो हैं वो एक्टिव होकर गोनीडिया बना सकते हैं. तो वी कैन सी मल्टीपल कॉलोनीज विद इन अ सिंगल कॉलोनी. तो उसकी जो डॉटर कॉलोनीज है वो मल्टीपल नंबर में वहां पे देखने को मिल सकते हैं. ये जो कॉलोनीज बनी हैं, सो दिस लिबरेट इधर बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट कॉलोनी, या तो पेरेंट कॉलोनी ही डिसइंटीग्रेट कर जाए, और गोनीडिया के ऊपर पोर बन जाता है उसके थ्रू भी ये लिबरेट हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. के केसेस में तो क्या है कि गोनीडिया जो एक कॉलोनी बनी है डॉटर कॉलोनी, उसके अंदर एक और डॉटर कॉलोनी बन जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रैंड डॉटर कॉलोनी. सो ये जो है ये बॉल बॉक्स का स्ट्रक्चर है, इट लुक्स लाइक दिस. इसके अंदर ये कॉलोनीज हैं, सो दीज आर डॉटर कॉलोनीज. ये सारे डॉटर कॉलोनीज हैं जो डेवलप कर गई हैं. इसमें मल्टीपल सेल्स, डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. सो दिस इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस. सी हाउ इट प्रोसीड्स. एक सेल है, उसने अपना फ्लैजेला जो है विड्रॉ कर लिया, साइज में बढ़ना शुरू हो गया, विच इज टर्म्ड एज गोनीडियम. इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन शुरू होगी, अब ये डिवीजन में चला गया. सो दिस इज 4 सेल स्टेज. यहाँ पे 8 सेल स्टेज बन गई है. ये जो 8 सेल स्टेज है इसको प्लेकिया स्टेज भी कहा जाता है. सो दिस इज प्लेकिया स्टेज. ये प्लेकिया स्टेज है. उसके बाद फिर से इसमें डिवीजन कंटिन्यू ही है, डिवीजन कंटिन्यू है. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल स्टेज. तो ये जो 16 सेल स्टेज है उसमें फिर से फर्दर डिवीजन होगी, और उससे मल्टीपल सेल्स जो है वो बन जाएंगे. जब मल्टीपल सेल्स होते हैं तो टिप पे एक रीजन है जहाँ पे दो एंड्स जो होंगे वो कनेक्टेड नहीं है, दे आर सेपरेटेड. और जब वो सेंटर में पोर प्रेजेंट होता है उसके हम कहते हैं फाइलोपोर. अब जब ये इस स्टेज में आ गया, 32 सेल स्टेज है ये, तो 32 सेल स्टेज में जो ये गोनीडियम के जो सेल्स होते हैं वो इन्वर्शन शो करते हैं, कॉलोनी इन्वर्ट कर जाती है. इन्वर्ट कैसे, कि जो अंदर का एंड है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन ऑफ कॉलोनी, and it is very interesting feature of ball box reproduction, and it is present in sexual as well as asexual reproduction. ये हम बात कर रहे हैं asexual में. तो उसमें जो young colony बन गई एक ही हमने cell से start किया था, and it result in the formation of young colony. जब ये invert कर जाता है तो इसके जो cells जो हैं वो ये फाइलोपोर यहाँ पे आ गया, and gradually ये seal हो जाता है, जुड़ जाता है और एक कॉलोनी की शेप ले लेता है. तो ये कॉलोनी या तो यहाँ से रिलीज हो जाएगी एक ओपनिंग से, और हो सकता है कि ये पूरी की पॉली कॉलोनी जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाए और अपने जो डॉटर कॉलोनी से उनको रिलीज कर दे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. यस मैम. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ओगैमस टाइप की है. ओगैमस टाइप क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होंगे और जो फीमेल है वो लार्ज साइज की होगी. अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं एंथ्रीडिया, एंड और एंड्रोगोनिया भी उसे कहते हैं. एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओगोनिया और गाइनोगोनीडिया.
तो सम स्पीशीज दे आर मोनेशियस, कुछ मोनेशियस हैं, जैसे कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट थैलस, वेयर एज सम आर दे आर डायोशियस, कुछ डायोशियस होते हैं जिसमें जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट थैलाई. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट बिगिंस एट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज के बाद में शुरू होती है. सम सेल्स एट द पोस्टीरियर हाफ ऑफ सुनेबियम दे रिट्रैक्ट देयर फ्रेजेला एंड इनलार्ज एंड बिकम गैमेटेंजिया. तो इसमें भी वही वाली प्रोसेस प्रोसीड कर रही है जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थी, कि वहां पे पोस्टीरियर हाफ में जो सिनोबिया है, सुनेबियम का पोस्टीरियर हाफ है, उसमें से एक सेल और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकते हैं वो अपने फ्लैजेला रिट्रैक्ट कर लेते हैं, दे इनलार्ज इन साइज एंड दे बिकम गैमेटेंजिया. ईच गैमेटेंजियम इज लार्ज राउंडेड सेल विद मैनी पायरेनॉइड्स. इट इज पुश्ड बैक इनटू सिनोबियम एंड रिमेन कनेक्टेड विद एडजेसेंट सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. सो जो मेल गैमेटेंजियम है उसको, उससे इंथ्रिडियम बनता है, जो फीमेल गैमेटेंजियम है वो ऊगोनियम बना देता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि ये इंथ्रिडिया कैसे डिवेलप करता है, ऊगोनिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं. इंथ्रिडिया जो है ये दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और ईच एंथ्रीडियम जो है इट इज प्रोड्यूस इन साइड मेल गैमेटेंजियम, मेल गैमेटेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होगा. इसमें भी वैसे ही डिवीजन पैटर्न है जैसे हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा. तो जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है गैमेटेंजियम का वो सक्सेसिव डिवीजन में चला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में, और एक प्लेट बना देगा जिसमें कि 64 to 128 मेल सेल्स होंगे. जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये वेरी कर सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 64, 128 और 512. स्पीशीज कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फिर बाउल वो वैसे ही इन्वर्ट होगी जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा. सो हियर यू कैन सी ये इनलार्ज कर गया है, इसमें सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में चला गया है, वैसे ही स्ट्रक्चर बन गई. उसके बाद इसमें इन्वर्शन हो जाएगा, ऐसे इन्वर्स होने के बाद ये सारे जो हैं ये फ्लैजेला डेवलप कर लेते हैं एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडियम. नंबर ऑफ एंथ्रीडियम दे वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल एंथ्रीडियम, सो ये बाईफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होता है एंड इट लुक्स लाइक दिस. अगर हम ऊगोनियम की बात करें तो ऊगोनियम जो है ये सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करती है. हियर द फीमेल गैमेटेंजियम इट इनलार्ज इन साइज बिकम राउंडेड और फ्लास्क शेप्ड. प्रोटोप्लाज्म इस केस में डिवाइड नहीं करेगा लेकिन वो एज सच ही मेटामॉर्फोस्ड हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड कर जाएगा इनटू नॉन फ्लैजेलेटेड ग्रीन स्फेरिकल एग और ऊस्फेयर. जो फीमेल गैमेटेंजियम है इसे कहते हैं ऊगोनियम और इसको गाइनोगोनेडियम भी कहते हैं. एंड इसमें बीक लाइक प्रोट्रूशन है और ओपनिंग होती है एंड दिस ओपनिंग इज मेंट फॉर द एंट्री ऑफ एंथीरोजॉइड्स. एंथीरोजॉइड अपना उनकी जो एंट्री है उस ओपनिंग के थ्रू होती है विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ऊगोनिया. लार्ज नंबर ऑफ ऊगोनिया जो है इट मे बी प्रोड्यूस्ड इन सिंगल सिनोबियम. तो ये तो थे डिवेलपमेंटल पैटर्न इन केस ऑफ एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया. नाउ फर्टिलाइजेशन. एंथीरोजॉइट्स जो हैं दे आर अट्रैक्टेड कीमोटेक्टिकली, तो ये कीमोटेक्टिकली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स ऊगोनिया. एंटर थ्रू द बीक एंड रीच द म्यूसिलेजनस मास ऑफ शीथ. तो बहुत सारे एंथीरोजॉइट्स एक्यूमुलेट कर जाएंगे एक एग के अराउंड एंड ओनली वन विल फ्यूज. सिर्फ एक ही फ्यूज करता है, उसके बाद इसमें चेंजेस आते हैं और ये और एंथीरोजॉइट्स की एंट्री को इनहिबिट कर देता है.
अब है जाइगोट, तो फ्यूजन हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, एंड न्यूक्लियाई का फ्यूजन है, इट इज कॉल्ड कैरियोगेमी. सो बट इन दिस केस जो कैरियोगेमी है इट इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड, ये इमीडिएटली फॉलोड नहीं होती है, ये डिलेड है, कुछ टाइम के बाद होगी. आफ्टर द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो न्यूक्लियाई है जो न्यूक्लियोलाई है वो फ्यूज करेंगे, और जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा वो अपना साइज जो है वो बढ़ा लेगा, उसका साइज इनलार्ज कर जाएगा. जब ये साइज इनलार्ज कर रहा है उसी टाइम पे ये अपनी और सेल वॉल जो है वो भी सिक्रीट करता है. इसकी सेल वॉल कैसी होगी, वो स्मूथ भी हो सकती है, वो स्टीलेट भी हो सकती है, मीन्स उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं. इसकी थ्री लेयर्स होते हैं, आउटर एक्सोस्पोर होगी, मिडल मेसोस्पोर एंड इनर एंडोस्पोर. जो ग्रीन कलर है जाइगोट का इट इज देन डिसअपीयर्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय रेड एंड ऑरेंज कलर. तो जो जाइगोट है वो भी अपना कलर चेंज करता है, पहले वो ग्रीन कलर का होता है, बाद में उसका कलर चेंज होकर रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसने हीमेटोक्रोम कलर पिगमेंट है उसको एक्यूमुलेट किया है. जाइगोट जो है इट रिमेन एम्बेडेड इनसाइड द ऊगोनियम एंड टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन. तो ऊगोनियम के अंदर ही ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और वो वहीं पे अपनी अनफेवरेबल कंडीशन जो है उसको क्रॉस करता है, पेरिनेट करता है. और जब अनफेवरेबल कंडीशंस ओवर हो जाते हैं तो जो पेरेंटल कॉलोनी है ये डिके कर जाएगी एंड जाइगोट फॉल टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी. जब ये फॉल करेगा तो ये जर्मिनेशन में चला जाएगा. सो लेट्स सी कैसे जाता है जर्मिनेशन में. कि प्रायर टू जर्मिनेशन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट इट डिवाइड्स बाय मियोसिस, मियोसिस से भी डिवाइड करेगी. सो एट दिस स्टेज जाइगोट हैज थ्री लेयर्ड वॉल, वही है आउटर एक्सोस्पोर, मिडल मेसोस्पोर एंड देन एंडोस्पोर. जो थिक वॉल है इट्स अराउंड डेंस प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग फोर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई. तो इसके अंदर जो जाइगोट है वो डिवीजन में चला जाएगा मियोसिस में, और वो फोर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बना देंगे. इसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियस सर्वाइव करता है, रेस्ट जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं, अगर हम बॉल बॉक्स और रोसालिटी की बात करें. सो इन एनी केस द आउटर टू लेयर ऑफ जाइगोट एक्सोस्पोर मेगास्पोर ये जिलेटिनाइज हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जो इनर एंडोस्पर्म है ये प्रोट्रूड करके बेसिकल बना देंगी. जो फंक्शनल हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इट माइग्रेट्स इनटू द बेसिकल एंड द कंटेंट ऑफ बेसिकल जैसे कि जाइगोट प्रोटोप्लाज्म कहेंगे ये मेटामॉर्फोज कर जाता है इनटू ज़ूस्पोर एंड विच नेवर लिबरेट फ्रॉम बेसिकल, वो बेसिकल के अंदर ही रहता है ज़ूस्पोर. ज़ूस्पोर स्पिन करेगा फ्रीली एंड फाइनली इट्स कंटेंट डिवाइड सक्सेसिवली साइमल्टेनियसली, वैसे ही जैसे अंदर कॉलोनीज के अंदर डिवाइड कर रहा था वैसे ही वो बाहर डिवाइड करेगा और वो एक यंग कॉलोनी बना देगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं ये जाइगोट में हुए हैं. कि कैसे पहले एग था, ऊगोनियम, उसमें ये फ्यूजन हुआ इंथेरोजॉइड का, और फिर एक हार्ड स्ट्रक्चर बनी जाइगोट जो कि पेरिनेशन में हेल्प करती है. फिर जब पेरिनेट हो गई, लिबरेट हो गई अपनी पेरेंटल कॉलोनी से, तो उसके जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड कर जाएगा, कंटेंट भी डिवाइड कर जाता है, और वो ऐसी हैप्लॉइड टेट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर बना देता है जो हैप्लॉइड सेल्स हैं. फिर इसकी वॉल जो है वो रप्चर कर जाती है और कंटेंट रिलीज हो जाता है. जब कंटेंट रिलीज होता है तो ये बेसिकल के अंदर ही रहती है, ये स्ट्रक्चर एक बेसिकल के अंदर ही है. उसी टाइम पे फिर इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाएगी जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और अंतर की फॉर्मेशन के टाइम देखा है. तो ये जो है ये ऐसी स्ट्रक्चर बना देंगे और फिर ग्रेजुअली ये पोर्शन यहाँ से इन्वर्शन में चला जाएगा. सो दिस विल इन्वर्ट आउट एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी लाइक दिस. बाद में फ्लैजेला डेवलप हो जाएंगे और नई कॉलोनी बन जाएगी. सो हियर यू कैन सी, सो दिस इज अ कॉलोनी, और यहाँ पे भी ये कि कैसे वो सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और बीच में एक कैविटी होती है
जो म्यूसिलेज से भरी हुई है, ये इसका लाइफ साइकिल है, जिसमें हमने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक ही कॉलोनी के अंदर मल्टीपल यंग डॉटर कॉलोनीज बन गई, वो रिलीज हो जाएंगी और वो कॉलोनीज फिर से जर्मिनेट करके एक नई कॉलोनी बना देंगी। सेकेंड केस में क्या है, दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, फिर वो जर्मिनेशन में जाएगा और फिर से कॉलोनी बन जाएगी। सो दैट्स ऑल।